जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के हमारे काम धाम सब हो गए हैं और यहाँ बच्चे भी आप लोगों से सबसे जय माता दी बोल रहे हैं। और हमारी चाची जी सूरज भगवान को जल दे करके अब आ गई हैं, जो घर में भगवान जी का मंदिर है वहाँ पर पूजा करेंगी। और रेसू ना टमाटर प्याज काट रही हैं, रेसू कुछ बनाने वाली हैं, तो जो भी बना रही हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और हम भी सूरज भगवान की पूजा कर लिए हैं, तुलसी मैया की कर लिए हैं। और कल हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी इसी वजह से। तो रेसू देख सकते हैं क्या बनाने वाली हैं, पास्ता। और यहाँ पर इन्होंने प्याज टमाटर सब कट कर लिया और हमसे कह रही हैं कि भाभी आप मंदिर जाइए। तो हम जा रहे हैं चाची जी के साथ मंदिर, महामाया धाम, यानी आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो बाहर ना हम लोग जब निकलते हैं तो इतना लंबा घूंघट करना पड़ता है क्योंकि चाचा लोग सब बाहर बैठे हुए थे। तो चाची कह रही हैं कि अब घूंघट हटा दो और अब यहाँ पर कोई नहीं है। क्या गए हैं, पहली बार है, किस तरह हम लोग गए हैं, सही कह रही हैं। हमने पूजा कर लिया, माँ भगवती के दर्शन आप लोगों को भी करा दिए, आप लोग भी करिए। देखना कितने गुड़हल से सजी हुई है माँ हमारी। माँ भगवती से प्रार्थना कर लिए हैं आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, और अपने लिए ये प्रार्थना की है कि माँ भगवती जल्दी उनको स्वस्थ करिए और जितने जिसके दुख दर्द हो सबके माँ हर लीजिए। माँ भगवती से प्रार्थना किए हैं और आप लोग भी दर्शन करिए। तो चल रहे हैं बाहर, नीम का पेड़ है बाहर, तो शीतला मैया का वास रहता है, तो वहाँ चाची जी के साथ पूजा कर लेते हैं। और आप लोग तो देख ही रहे ना कि वही साड़ी हमने पहन लिया सुबह, रात में ना चाची की साड़ी पहन लिए थे, फिर अभी फिर हमने वही साड़ी पहन लिया और अभी भी ना बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। अब देखिए लखनऊ हम लोग कितने बजे निकलते हैं, वैसे टाइम तो इस समय हो रहा 7:30 बज रहे हैं, जल्दी ही निकलेंगे। नहीं पूरा हो अब अबे वो दिन का ही शिकायत मत हर जी जी कोताई करवाओ खताओ कह जाओ करवाओ खुद कह बताए मैं पेन टोट जत्ता लागी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल करवा दे तो ये शीतला मैया के दर्शन आप लोग भी करिए। और देखिए कितना बड़ा गुड़हल का पेड़ है, तो हम भी शीतला मैया की पूजा कर लेते हैं और इसके बाद ही जाते हैं। आम में ना छोटी छोटी अम्मियाँ आ गई हैं, सभी छोटी छोटी अम्मियाँ हैं यहाँ पर। और कल बताए ना आप लोगों से, कल ना हम लोग कुंडा में ही तिलक में गए थे, तो हमने सोचा था कि प्राची के यहाँ जाएंगे, पर प्राची के यहाँ नहीं जा पाए, 10:30 वहाँ से खाली हुए। तब हमने प्राची को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी नहीं उठा, तो हमने कहा अपना भी सो गई होगी, बाबू भी सो गया होगा, और 10:30-11 किसी के यहाँ नहीं जल्दी जाना चाहिए, मतलब सबको परेशान नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से फिर हम नहीं जा पाए। हम देखते हैं कब क्या कैसे जा पाए। तो देख सकते हैं हमारी बाग की छोटी छोटी सी अम्मियाँ। और चाची ना रास्ते में हमसे बात करती आ रही थी कि मतलब कुंडा फर्स्ट टाइम है तुम लोग गए हो, हमने कहा हाँ, इतने फंक्शन होते थे लेकिन हम लोग नहीं जाते थे, सासू माँ लोग जाती थी, लेकिन इस बार सासू माँ नहीं आई थी तो हम ही को जाना पड़ गया। अब माता रानी में ताला वाला बंद करके हम लोग घर आ गए मंदिर में यानी, और जो अम्मियाँ लाए थे ना उनको छील करके हम जा रहे हैं चटनी पीसने। तो चटनी में हम डालेंगे पुदीना, नमक, लहसुन, मिर्चा। तो रेसू जा रहे हैं पीसने और यहाँ पर हमारी चाची जी बना रही जल्दी जल्दी खाना, तो आलू और कद्दू की सब्जी, दाल चावल, चटनी। और इसके बाद हमको खाना खा के तुरंत निकलना भी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर देवर जी देखिए हमसे खूब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं भाभी जी ना जाइए, कितना अच्छा लग रहा है। और होता है ना हमारे यहाँ जब हम लोग पहुँच जाते हैं तो सब बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे छोटे वाले देवर हैं, बॉम्बे में रहते हैं, तो कुछ समय के लिए यहाँ छुट्टी लेकर के आए हुए हैं। तो हमारी चाची जी हंस रहे हैं कि देवर भौजाई का कैसे हो रहा है मिलन। अभी कब आओगे, कब आओगे, एक महीने बाद। हम ना सही बस किचन बस कंप्लीट हो जाए।
तो आप लोगों ने सुना बुआ और भतीजे कैसे बिलाप कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ ना महुआ, हमारे यहाँ इतना महुआ डेली आता है, देख सकते हैं। और ये महुए के ना पुए बहुत अच्छे बनते हैं। तो चाची हमसे कह रही ले जाओ, हम कहें हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे क्या बनाएंगे। और कृष्णा भी तैयार हो गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। और ये भी बार बार आवाज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी करो। और बहुत मतलब होता है ना, जब यहाँ आ जाते हैं तो हमारी जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। और चाची लोग भी सब परेशान हो जाती हैं, कहती हैं आया करो, तो एक महीने के लिए 15 दिन के लिए आया करो। अब बस यही सोच रहे हैं कि मतलब प्राची के यहाँ जाएँ कि ना जाएँ। और प्राची का फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा, कई बार हमने फ़ोन किया तो हम लोग निकल लिए हैं। और देख सकते हैं ये हमारी बाग कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉक हो जाता। अगर कभी ना कभी ज़रूर आइए हमारे महामाया धाम, आप लोग आम की बाग देखिए। अब यहाँ पर ये लोग आ गए हैं बटोही, तो होता है ना आने में भी बटोही, जाने में बटोही। और जब तक बच्चे रुक करके कुछ खाते पीते नहीं, तब तक इनका मन कहाँ मानने वाला है। तो इन्होंने हमारे लिए ले लिया था चुरमुरा, क्या है लैया और पता नहीं क्या क्या मिला हुआ। हमको तो ज़्यादा पसंद नहीं, बट इनको बहुत पसंद है। ये जब भी ना यही सब चुरमुरा खाते हैं। और यहाँ पापा जी भी खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सबके लिए आ गई है लस्सी। तो ये लोग बच्चे लस्सी और बहुत से आइटम लेते रहते हैं इनका तो बस। और वैसे भी बाहर की चीज़ें बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, बट बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। इनको कितना भी मना करो तब भी, अगर ना भी लिवाओ ना, तो पूरी रास्ता बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, इनकी पार्टी में शामिल हो जाइए। और वाकई ही आप मतलब यहाँ की लस्सी पीजिए या नरेश स्वीट की लस्सी पीजिए, तो बहुत ही मतलब इतनी टेस्टी लस्सी रहती है। तो देख सकते हैं आप लोग भी आइए चुरमुरा, और इसके अंदर ना चटनी वगैरह है, पता नहीं क्या क्या है। और हमारी ना कुछ भी खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही थी, बस ले करके सब रखते जा रहे हैं। और बच्चों के साथ ना ये लोग खा रहे हैं ना, तो इनको देख करके हमारा भी पेट फुल हो जाता है। देखिए कैसे लस्सी कुल्हड़ सब खाली कर रहे हैं फटाफट। तो हमको ना मतलब फीवर सा हो रहा था, हमको लग रहा था कि हमको जा करके ना घर में दवा लेना पड़ेगा। वैसे हम दवा लेने से बहुत ही डरते हैं, हम माता रानी से यही कहते रहते हैं कि माँ हमने अपने जीवन में इतनी दवा खाया है, अब हमको दवा ना खाना पड़े। जब भी हमारी ऐसी सांसें चलें कि बिना दवा खाए ही मतलब हमारी सेहत ऐसे ठीक ठाक रहे। तो देख सकते हैं बच्चे सब अपना लगे हुए हैं, और अभी भी हम वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, तो मतलब हमारी जुबान लड़खड़ा रही है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब कुछ भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं इस बार ऐसी क्यों तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आ गए हम लोग लखनऊ, ये हम आ गए हैं पीजीआई के पास। तो हमने थोड़ा सा यहाँ की वीडियो शूट कर लिया था। अब जब पहुँच जाते हैं घर, तो आप लोगों से बैठ करके खूब सारी करते हैं बातें। और देख सकते हैं शाम का समय है, हम लोग आ गए घर और टाइम ना 7:30 बज रहे हैं। आप लोगों से ना थोड़ी सी बैठ करके बात कर लेते हैं। अब पूरी रास्ते ना बस यही सोचते रहे, तबीयत तो ठीक नहीं थी, बट इस बार सोचे थे कि प्राची से किसी न किसी तरह मिलेंगे ज़रूर, चाहे 10 मिनट को। क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट आते थे कि वो आप प्राची से क्यों नहीं मिल रहे हो, तो मतलब बहुत कुछ सोचा था। और उदन के लिए ना छोटे छोटे कपड़े भी ले गए थे, बट अभी मेरा बैग ना गाड़ी में ही पड़ा हुआ, अभी तक बैग नहीं आया है। बच्चे सब सामान ला रहे हैं, रास्ते में इन्होंने सब्जी वगैरह भी ले लिया था। ये मैं पूरी रास्ता हम लोग यही सोचते चले आ रहे कि कितने ख्वाब सजाए थे कि प्राची से मिलेंगे और अच्छा लगेगा। और बताया ना आप लोगों से, पहले तो बचपन से जो प्यार बुआ भतीजी का था बहुत ही अच्छा था, बट इधर ना जब से शादी हुई थी प्राची अपने ससुराल में सब में बिजी। और हर एक लड़की की लाइफ में होता है कि अपने परिवार में अगर खुश रहती तो कितना अच्छा लगता है, और उसके ब्लॉग में प्राची को देख ही लेते थे। बट इधर ना जब से भैया गए हैं तब से प्राची से बहुत ही मतलब इतना लगाव हो गया है, इतना प्यार हो गया है। और वो तो अपनों का प्यार ना तो दिल में बसा रहता ना, अपना मनु ना उदैन से मिलने के लिए मतलब इतना मतलब उसको खुशी थी, माँ प्लीज़ चलिए ना, पापा चलिए ना। और ये भी खुश थे कि चलो मिला लाते हैं प्राची से। लेकिन जब वहाँ हम लोग तिलक में ना, तो तिलक में जब हम लोग 10:30 बजे खाली हुए, और होता है किसी फंक्शन में जाओ ना तो कुछ ना सोचते सोचते ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन 10:30 बजे जब हमने कॉल किया तो प्राची का फ़ोन रिसीव ना हुआ। और आज हमने 3 बजे कॉल किया तब भी ना रिसीव हुआ। फिर जब वहाँ से हम लोगों ने निकल लिया
हम आ गए रायबरेली आ गए, तब प्राची का फ़ोन आया, बोली बुआ आपका फ़ोन आ रहा है, जब हम फ़ोन करते हैं तो आप नहीं रिसीव करते हो, और बच्चे में बुआ रात भर सो नहीं पाते, इधर उधर रहते हैं, फ़ोन जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, और अभी हमने देखा कि आपकी कॉल आई थी, तो बुआ कहाँ पर है? हम बोले कि इसी तरह हम आए थे कुंडा, पूरी सब अपनी सब पूरी बातें बताएं उससे, लेकिन उसने बस यही कहा कि बुआ वापस आ जाए। हमने कहा इतनी दूर से कैसे वापस आ सकते हैं, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है 2-3 दिन से, और इतना मतलब जुबान सूख रही है, और कुछ भी 2-3 दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। आज तो हम सोच रहे थे कि सिद्धार्थी माता भी जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी समस्या होती ना, कुछ भी परेशानी होती ना, तो माँ भगवती के दर्शन हम करने ज़रूर जाते हैं। जब दर्शन हम करके आ जाते हैं तो हमको कुछ शांति मिल जाती है। वैसे तो आज महामाया के दर्शन किए हैं तो बहुत शांति है, कुछ मतलब कल की अपेक्षा तो आज थोड़ी से बदलाव हमको लग रहा है कि हम मतलब स्वस्थ हैं थोड़ी बहुत। तो बस यही है, पूरी रास्ता सोचते चले आएँ कि ऐसा क्या हो रहा है कि हर बार सोचते हैं और भतीजी से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी, ये तो दिल का प्यार है, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं, अब लग जाते हैं अपने घर के काम धाम में, देखते हैं कुछ बच्चों के लिए खाना पकाना बनाते हैं, और अब तो मीना भी गए मायके, तो पानी किचन में देखते हैं, पानी वानी भरते हैं, फिर इसके बाद कपड़े चेंज करते हैं, भगवान जी की आरती पूजा करते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपनी बुआ को ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिए। अब क्या कर सकते हैं, आप लोग ऐसे कमेंट मत डालिएगा कि आप सोच करके भी प्राची से क्यों नहीं मिलना चाहते हो। कोई एक तो बुआ भतीजी का दिल से प्यार है, दिल से हम मानते हैं, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है जैसे हम उनको मानते हैं वैसे ये भी हमारी फैमिली है, तो क्या कर सकते हैं। और कभी खुशी कभी गम, आज आपकी बुआ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही स्नेह प्यार देती रहिएगा। जय माता दी।